तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों। तो यार स्वागत है आपका BGMI के एक और नए गेम प्ले वीडियो में। और आज यार हम नोवो आए हैं, तो नोवो में यार एक भी बंदा नहीं आया, तो ये चीज़ देख के यार बहुत ज़्यादा दिल दुखा, क्योंकि यार एक आधा बंदा अगर यहाँ पे किल मिल जाता तो और ज़्यादा किल अपने बढ़ जाते, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो कोई चक्कर नहीं आया यार, यहाँ नहीं किल मिले तो आगे मिलेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ से मैं लूट करता हूँ और निकलता हूँ आगे की साइड जहाँ पे बंदे हैं। तो जो कुछ लूट लाट करनी थी यार यहाँ से मैं करता हूँ और गाड़ी लेके निकलता हूँ मैं आगे। और आगे जाके यार खतरनाक की फाइटें देखने को मिलेंगी और मजा आएगा बिल्कुल देख के। और बग्गी में यार मतलब स्टंट करने वाले हैं आगे बंदे। तो निकलता हूँ मैं यहाँ से बंदे को बिठा के अपने एक, और रुकता हूँ मैं यहाँ पे मेल्टा में और उतरते ही देखो एक बंदे के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता हूँ मैं। जैसे इसकी लातों पे गोली लगी बंदा नोक, तो ये वाला बंदा दूसरा जो था ये अपने बंदे को मतलब फिनिश करने वाला था बिल्कुल ही। तो मैंने भी से यार सबसे पहले फिनिश किया और एक और बंदा इसका सामने की साइड था, तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ यहीं पे ही। तो 3 किलो का काम यार यहाँ पे मैं कर चुका हूँ अब तक। तो सबसे पहले यार रिवाइव देते हैं और उसके बाद फिर से पहन लेंगे इनको, क्योंकि यार नोवो में तो एक भी बंदा नहीं आया था और उसके मतलब नोवो के नाम के बंदे यहीं पे ही उतर चुके थे सारे। तो जैसे जैसे बंदे मेरी साइड बढ़ते हैं मैं इनकी पेटियां बनाता हूँ। और पीछे से यार बोट भी आ चुका है, तो सबका हिसाब करेंगे आगे चल के। तो दो बोट यार ये चीज़ देख के लड़ाई लड़ुई बंद करने के लिए आ चुके थे यहाँ, तो दोनों को यार पेल देता हूँ मैं और आगे जाके यार और बंदे पेलता हूँ। तो लूट कसूट यार यहाँ पे फुल पड़ी थी, तो मैंने सोचा यार पहले लूट कसूट पूरी कर ली जाए उसके बाद बंदे पेल लेंगे रिलैक्स होके। तो यहाँ से लूट लाट करता हूँ मैं और आगे से यार बोट जो है वो ठुक ठाक कर रहा था और बोट को पेलते हैं बंदे। तो जो बंदा बोट को पेल लेगा उसको मैं पेलता हूँ अब फिर। अब ये बंदा यार यहाँ पे खड़ा हुआ पता नहीं क्या ही देख रहा था, पता नहीं कान लगा के सुन रहा था कि कहाँ है बंदे कहाँ नहीं है। तो इसको यार यहीं पर पेल देता हूँ मैं। अब ये पता नहीं कौन सी टीम का बचा हुआ था, शायद उस टीम का था जिस टीम को मैंने अभी अभी पीछे पेल लिया। तो खैर यार जो भी था इसको मैं यहीं पे क्लियर करता हूँ और बढ़ता हूँ आगे की साइड। और एक और बंदा जो है वो लूट करने में मस्त है, उसको ये नहीं पता यार यहाँ पे पेटियाँ बन रही हैं लगातार। तो देखो कहाँ पे लूट कर रहा है आराम से बैठा हुआ, और भागने की कोशिश थी इसकी पूरी पर पकड़ लिया इसको मैंने और यहीं पर क्लियर कर दिया। और बग्गी वाला स्टंट यार बिल्कुल देखने को मिलेगा, तो यहीं पर ही होने वाला है वो। और एक बार नहीं दो दो बार, ये देखो एक बार हमारे बंदे ने उड़ाई एक बार इनका, मतलब मेला तो चल नहीं रहा यहाँ कि करतब एक से एक दिखाई जाएगी। तो ये बंदे यार पता नहीं कहाँ से कहाँ जाना चाह रहे थे, तो इधर से इन पैसे गलती से ब्रेकर ब्रूकर पैसे चढ़ गई होगी इनकी बग्गी और इधर गिर गए हैं हमारी साइड आके। तो पकड़ लेता हूँ मैं इनको यहीं पर ही और फिनिश करता हूँ, एक बंदे का ही किल मिल पाता है यहाँ। और अब देखो यार कितना मोटा दिमाग वाला काम हो रहा है यहाँ, बिल्कुल ही यहाँ पे छपा रहा है कि BRDM आएगा और मैं चला रहा हूँ फ्लेयर, और बंदा हमारा नो बोल भी रहा था, पर यार मैंने उस चीज़ को यस कर दिया बिल्कुल ही। और ये गलती यार गलती से गलती हुई है ये। और भाई साहब बोलने की कोशिश भी कर रहे थे कि यार फ्लेयर जो है वो जोन के बाहर ही चला दी मैंने, तो क्या ही कर सकते थे यार, अब तो चल गई सो चल गई। BRDM आएगा तो उसका क्या करेंगे हम यार, वो इतना महंगा लोहा है तो चल के नहीं देता बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा भारी लोहा है। खैर यार यहाँ से निकलते हैं हम, और हमारे जो भाई हैं वो पहले ही निकल चुके हैं 4 नंबर भाई साहब, तो उसके साथ हाथापाई होने वाली है और बढ़ेंगे हम वहीं पर। तो हाथापाई शुरू हो चुकी है और एक बंदे को उसने गिरा दिया है बिल्कुल, और जब उसे गोलियां पड़ती हैं तो मैं सोच रहा था यार ले इतना हम पहुंच जाएंगे इतना तो इसकी पेटी बनी जानी,
जैसे कैसे बच गया वो बंदा, और बंदा दिखता है मेरे को स्मोक के पास से, तो अंधाधुंध फायरिंग करी मैंने, पर यार बंदे को लगी नहीं गोली एक भी। तो मोली मोली भी फेंकता हूँ मैं, पर यार जल के नहीं देता कोई भी, और सामने बंदे टीपी पी लेके खड़े हैं। तो देखो यार कैसे चलते चलते को फेलता हूँ मैं इनमें से एक बंदे को। तो इसी के साथ यार ये वाली टीम जो है वो यहीं पे निपट जाती है। थैंक यू यार, पता नहीं किस बात का बोल रहा था ये, मेरे को तो यार किल चाहिए थे और किल अपने को मिल ही रहे थे। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ बोट भैया एक और आ जाते हैं यहाँ, और उसको भी फिनिश करेंगे जरूर। और जहाँ लड़ाई हो ना इन बोटा ने, तो मतलब वहीं पहुँचना बिल्कुल ही, पता नहीं क्या ही देखते हैं ये लड़ाई में, पता नहीं खेलना सीखते हैं क्या सीखते हैं, अपने को तो बिल्कुल नहीं पता। और ये वाला किल देखो यार, बिल्कुल ही चार नंबर भाई साहब, बहुत ज़्यादा जोर की गाली दे रहे होंगे इस चीज़ के पीछे मेरे को कि किल चोरी कर लिया यार, मैं जोन के बाहर भी रुका। तो खैर यार यहाँ से निपटाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखो यार बंदे बैठे पड़े हैं, वो किल कुल मिलने नहीं वाला अपने को, वो बात अलग है, पर डैमेज जरूर दूंगा मैं। दोनों बंदों को यार दो दो किलो डैमेज देता हूँ मैं, पर यार फायदा नहीं लगता उसका कुछ भी, और पीछे से भी इतने में गोलियाँ चलने की आवाज़ आती है, तो मैं क्या करता हूँ बढ़ता हूँ इनकी तरफ और फेल लेंगे इनको भी जाके, जिससे पहले चार नंबर को किल मिले, मैं भी बढ़ता हूँ आगे। तो गाड़ी ठोकता हूँ मैं अपनी पत्थर में, और देखता हूँ कहाँ हैं बंदे। तो सामने से खिड़की में एक बंदा दिखता है, और स्प्रे देखो यार इतनी दूर से कैसा लगेगा इसको, और सप्रेसर अगर ना होता तो यार पहले ही स्प्रे में बिल्कुल नोक हो जाना था इसने। तो फिर भी यार इसको नोक कर दिया मैंने, और कार 98 लगाई इसने शायद, यार लगी मेरे को एक गोली, और हेल्थ की तो ऐसी की तैसी हो चुकी थी। तो अब यार एक ही काम था वो है रश करना, तो बढ़ता हूँ मैं इनकी तरफ और करते हैं रश इन पे। इतने में ये हमारे भाई को एक को नोक कर देते हैं। और दूसरे बंदे को भी नोक कर देते हैं यार ये। तो लास्ट बंदा बचा हुआ था, इसको मैं यहीं पे ही फिनिश कर देता हूँ, और रिवाइव देंगे भाई को, फिर आगे बढ़ेंगे और बंदे पे ले। तो रिवाइव करता हूँ मैं, और बढ़ते हैं यार आगे और बंदों की तलाश में। Okay. तो यहाँ पे रुकते हैं हम, और ये बंदे दो गाड़ी लेके भाग रहे थे यहाँ से, और फ्रेम ड्रॉप हो रहे थे यार यहाँ पे मेरे काफी। खड़ा मैं कहीं था और पहुँच कहीं रहा था, पता नहीं क्यों यार, पिंग पुंग तो सही था अपना, पर फ्रेम ड्रॉप हो रहे थे। तो एक बंदे को ही पकड़ पाता हूँ मैं यहाँ पे, और उसको फिनिश कर देता हूँ। अब उसको फिनिश करने के बाद यार यहाँ पे देखो हमारे बंदे को कोई ग्रोजा से उड़ा देता है, और दोनों बंदों को नोक कर दे गए। तो टाइम पे पहुँचेंगे हम, और फेलता हूँ मैं से, बहुत ज़्यादा ही रोबन रहा है अभी यार। ग्रोजा अपने पास भी थी तो उसी का यूज़ करेंगे बिल्कुल। अब बंदे की शायद हालत कम थी, तो वो पीछे की साइड चला गया, और फुट स्टेप आते हैं मेरे को, तो फेलता हूँ इसे। चुप कर जा यार। तो यही शायद बंदा था वो, और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। अब यार अपने को जितने किल मिलने थे वो मिल चुके हैं, तो मौका आएगा यार अपने को, बंदा दिख भी जाएगा, पर यार अपने बंदे जो है वो पेल देंगे उसे। तो देखो यार कैसा मौका आता है यहाँ पे, वो बंदा पड़ा है सामने। तो जैसे ही मैं इसे पेलने लगा, साथ ही हमारे बंदे ने इसे पेल के रख दिया, और ऐसा ही यार लास्ट बंदे के साथ होने वाला है।
हम तो यार घूम ही रहे थे कि कहीं दिख जाए बंदा ये कद और बंदा हमारा AWM से देखो यार कैसे उड़ा देता है ऐसे। तो इसी के साथ यार अपना चिकन हो जाना चाहिए था यार, तो चिकन हो जाता है यार। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।